अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, शोगी किचन में खुश आमदेद। मैं शगुफ्ता खान आज आपके लिए बना रही हूँ शाही टुकड़े। शाही टुकड़े जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे मेरी रेसिपी के साथ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 कप क्रीम लिए मैंने, 1 कप कंडेंस मिल्क, 1/2 कप बादाम, 1/2 कप चीनी, 1 कप कोकोनट मिल्क, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 कप पिस्ते। ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं 5, इनके किनारे काट के इनको कट करके रखी है। दूध लिया है 1.5 लीटर। अब एक पैन में हम दूध डाल के इसको अच्छे से हम बॉईल करेंगे। इसको इतना बॉईल करेंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसकी कलर चेंज हो जाए। देखिए दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने कम ली है इसलिए कि कंडेंस मिल्क मीठा होता है, आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उस हिसाब से आप चीनी डाल लीजिएगा। मैंने इसमें चीनी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ली है। इलायची पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे से हमने बॉईल करना है। इसमें बॉईल करके मैं इसमें पिस्ते और बादाम भी शामिल कर दूँगी। यहाँ पर पिसा हुआ नारियल है, ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से इसको पकाना है। और जब तक पकाना है कि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, ये गाढ़ा हो जाए दूध थोड़ा। देखिए मैं अब इसको बॉईल कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये हमारा पक चुका है दूध, देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें मैंने पिस्ते बादाम भी शामिल कर दिए थे और अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा एक बॉईल आने तक इसको पका के ना इसको मैं उतार लूंगी। अब ये तैयार है। अब मैं यहाँ पे शीरा तैयार कर लूंगी, उसके लिए 1.5 गिलास पानी लूंगी मैं। 1.5 गिलास पानी डाल के इसके अंदर मैं 1 कप चीनी लूंगी। इसको हमें शीरा नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको, बस चीनी इसकी डिजोल्व हो जाए और हल्का सा कुक हो जाए ये, बस ये तैयार हो जाएगा। इसमें 2 तार 1 तार का कोई मसला नहीं है। देखिए चीनी हमारी डिजोल्व हो रही है और अच्छे से ये पक रहा है। अब ये तैयार हो गया है, तकरीबन पक गया ये, बस अब मैं इसे निकाल लूँगी और अब मैं स्लाइसेस ट्राई करूँगी। उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। स्लाइसेस जो हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन करने हैं। आप भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपने फ्लेम जो है लो रखना है, हल्की आंच पे आपने बनाना है। ज़्यादा तेज़ आंच में ये सिक जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे बल्कि जल जाएंगे। ये बहुत हल्के लो फ्लेम पे करना है ये काम आपने, लाइट गोल्डन गोल्डन सा आपने करना है। देखें कितना अच्छा कलर आ गया। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तमाम स्लाइसेस इसी तरह करके हमने फ्राई करने। देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ये शीरे में हल्के हल्के से डिप करूंगी, बहुत ज़्यादा इसे भिगो के नहीं रखना है आपने, बस इसको हल्का हल्का डिप करके जो है वो आपने डिश में सेट करते जाना है। ये देखिए मैं इस तरह कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह करना है, इसी को फॉलो करना है आपने। यकीनन मेरी रेसिपी आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी रेसिपी माशाल्लाह बहुत लोगों ने ट्राई की है और बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है मुझे, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं। माशाल्लाह से इकरा ने, अरसला ने, ज़ारा ने बड़ी लाइक की हैं, बहुत सारे लोग हैं, हुदा हैं, महक हैं, मेरे बहुत प्यारे, मेरे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो मुझे बताते हैं कि आपकी ये रेसिपी हमें बहुत अच्छी लगी है। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करा करें। ज़ारा की फरमाइश है दम के खून में की, इंशाल्लाह सबकी फरमाइशें मैं पूरी करूँगी। देखें मैं इसको, अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ जो हमने पकाया था अच्छे तरीके से। देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा और अच्छा भी लग रहा है। और इसकी अच्छे से हम गार्निशिंग करेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका आप बहुत ख्याल रखा करें। देखें मैं इसके ऊपर पिसा हुआ नारियल डाल रही हूँ।
और अब इसके ऊपर मैं बादाम डालूंगी, बादाम, पिस्ते, ये सब मैं अच्छे से इसके ऊपर खूब डाल दूंगी। जितना आपका डिश अच्छा लगेगा देखने वाले को उतना ही खाने में मजा आएगा उसको। देखिए पिस्ते हम डाल देंगे, हमारी डिश तैयार हो गई है। इसको जितना अच्छा सजाएंगे उतना अच्छा लगेगा। अब मैं इसके ऊपर क्रीम डाल रही हूँ, क्रीम मैंने थोड़ी सी रोक ली थी। देखें व्यूअर्स कितना अच्छा लग रहा है। आप इंशाल्लाह मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें, कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।